हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज ये नया प्रोजेक्ट जावा के अंदर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड मैनेजमेंट सिस्टम्स। इस प्रोजेक्ट को हमने बनाया हुआ जावा एंड माइस्कल का यूज़ करके। माइस्कल का सारा डेटाबेस हमारा ये रहा। हम डेटाबेस के लिए जेम सर्वर यूज़ करते हैं, बट आप वर्क बेंच भी यूज़ कर सकते हो। सो दीज ऑल आर द फाइल्स ऑफ द डेटाबेस, दीज आर द टेबल्स। यू कैन चेक ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल इन साइड द टेबल्स। सो आप कंप्लीट डिटेल्स इस प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको कमेंट में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप कोई और प्रोजेक्ट चेक करना चाह रहे हो या आप कोई और प्रोजेक्ट सर्च कर रहे हो, तो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो उनको डायरेक्टली। अगर आपको फ्री प्रोजेक्ट चाहिए तो आप फ्री भी चेक कर सकते हो, अगर आपको पेड प्रोजेक्ट चाहिए तो आप पेड भी चेक कर सकते हो। फ्री रिसेंटली अपलोड किए हुए, फ्री के साथ आपको कोई भी सेटअप सर्विस नहीं मिलेगी, बट अगर आप कोई पेड सर्विस पेड प्रोजेक्ट्स बाय करते हो तो आपको सेटअप के साथ सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो, ये आपके फ्री प्रोजेक्ट्स रहे। आप इनको कोई भी प्रोजेक्ट्स आपको चाहिए आप यहाँ से चेक कर सकते हो, या फिर आप जाके डायरेक्टली सर्च पे जाकर उस प्रोजेक्ट को सर्च कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं अपने डेमोस्ट्रेशन पर, आज के अपने प्रोजेक्ट पर। तो ये फाइल्स रही इस प्रोजेक्ट की, एडमिन, क्रिएट प्लान्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉय। इसके अंदर हमारे पास एक मॉड्यूल, तीन मॉड्यूल्स हैं, बट हम यूज़ करते हैं एडमिन को, क्योंकि इसमें मेन काम किसका होने वाला है, एडमिन का। सबसे पहले हम इसको रन करते हैं। रन किया हमने यहाँ से इसको, तो अभी ये रन हो रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको आज की डेट और आज का टाइम मिलने वाला है। तो एज ए एडमिन आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। अगर मैं आपका एज ए एडमिन लॉगिन कर लेता हूँ, ओके, आई थिंक इनवैलिड पासवर्ड यूज़ कर दिया है मैंने। सो मैं करेक्ट पासवर्ड यूज़ कर लेता हूँ। इसमें हमने एडमिन के लिए, अगर आप इनवैलिड पासवर्ड यूज़ करते हो तो ऑथेंटिकेशन यूज़ किया हुआ है, तो आपको पॉपअप मैसेज हो जाएगा कि इनवैलिड पासवर्ड है। ओके, नाउ हम अभी लॉग इन कर चुके हैं एज ए एडमिन। सो आपको आपके पास पाँच ऑप्शन होने वाले हैं। फर्स्ट क्रिएट प्लान्स का, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्लान्स क्रिएट कर सकते हो। लाइक अगर मेरे को कोई प्लान क्रिएट करना है तो उसमें उस प्लान की आईडी यूज़ करूँगा 3, प्लान का नेम, जैसे हमारा जियो के प्लान्स होते हैं तो ऐसे हमारे इंटरनेट के प्लान्स होते हैं, तो मैं उसका कोई नेम यूज़ कर लेता हूँ, लाइक ईयरली, ईयर प्लान, ईयर पैक। ओके, स्पीड कितनी होने वाली है इसमें हमारी, 200 Mbps। कॉस्ट कितना पड़ने वाला है हमारा, 199 का। ड्यूरेशन कितना है इसका, 360 डेज, 365 डेज। ओके, तो यहाँ पर हम मैंने एक प्लान क्रिएट कर दिया है एज ए एडमिन, क्योंकि एडमिन ही इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकता है। ऐड किया, सक्सेसफुली एडिट, तो आपको आपका प्लान यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अभी हम चलते हैं बैक। यहाँ पर हम एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं। एम्प्लॉय वाला मॉड्यूल, अगर आपको मॉडिफिकेशन या और कुछ कराना है इसमें, तो आप खुद से भी कर सकते हो या आप हमसे भी करा सकते हो। ये हमारा एम्प्लॉय का सेक्शन रहा। एम्प्लॉय का कुछ काम नहीं है इसके अंदर, बट अगर आप इसको और अपडेट करना चाह रहे हो तो एम्प्लॉय को एडवांस लेवल पर बना सकते हो इसमें और चीज़ ऐड कर कर। बट अभी हमने एम्प्लॉय का एज ए स्टार्टिंग यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर हम एम्प्लॉय को क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको एम्प्लॉय का डेटा यूज़ करना है। ना हम कस्टमर्स पर आते हैं। तो कस्टमर का हमारा मेन काम है, क्योंकि कस्टमर ही हमारे प्लान्स को बाय करने वाला है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे प्लान्स ऐड होने वाले हैं यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अगर हमें कोई कस्टमर को सर्च करना है तो बाय हिज नेम, क्योंकि नेम हमारा डुप्लीकेट हो सकता है बट कॉन्टैक्ट नंबर हमारा डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। तो हम कॉन्टैक्ट नंबर से किसी भी कस्टमर को सर्च कर सकते हैं। अगर मैं आप इनवैलिड कोई डिटेल्स, इनवैलिड कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर लेता हूँ, तो फिर यहाँ पर कोई भी सर्च नहीं दिखेगा। बट मैं करेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ना अगर मेरे को कोई कस्टमर्स ऐड करना है, तो मैं उस कस्टमर को यहाँ से, ये हमारे कंप्लेन कर रहा, कंप्लेन करने हम सबसे पहले चलते हैं कस्टमर्स पर। तो यहाँ से मैं कस्टमर ऐड करता हूँ, नेम उसका हो गया डिकोडिट, कॉन्टैक्ट नंबर हम उसका ऐड करते हैं 1234, 1234 11, मेल, फीमेल, बिजनेस, इंडिविजुअल, एड्रेस, यहाँ पर हम टेस्ट यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हमें प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनमें से जो भी प्लान हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं यहाँ से हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ईयरली प्लान सेलेक्ट हमने कर लिया है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दिख जाएगा। मैं इसको ऐड करता हूँ, सक्सेसफुली एडिड, तो यहाँ पर आपको एक कस्टमर लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और आपको यहाँ पर दिख रहा हो कि हमारा प्लान भी ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है, ईयरली पैक प्लान ऐड हो चुका है। अगर हम को इस कस्टमर को सर्च करना है, अगर हमारी लिस्ट बहुत बड़ी हो जाए
और हमें इसको सर्च करना होगा, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करेंगे एंड डायरेक्टली हम इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारा कस्टमर की